आपको सहायक वाचन वितान कक्षा 11वीं राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में समझाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले पूर्व में मैंने आपको इस पाठ का कुछ पैराग्राफ समझाया है, उसके आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। राजस्थान में जहाँ मरुस्थल है, जहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पे पानी की जो एक एक बूंदे होती हैं, उसका जो महत्व है, क्या है पानी की जो समस्या है, पूरे वर्ल्ड में भीषण एक समस्या होती जा रही है। वाटर लेवल घटता जा रहा है और ये समस्या जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ जो पशु हैं उनके लिए भी एक समस्या हो जाती है। पानी के साथ साथ चारे की भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उस बारे में पानी को कैसे सहेजना है, पानी को कैसे समेटना है, और पानी की जो एक एक बूंद होती है, उसका जो वर्षा का पानी होता है वह इकट्ठा किया जा सकता है, उसको समेटा जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। इस बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं, कुएं के बारे में मैंने आपको बताया है। कुएं एक गहरा सकरा 4-5 हाथ के व्यास की कुएं होती है, जिसमें बरसात का पानी समेटते हैं। कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले सेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी नपाई नापे, सेजो यानी चिनाई का सबसे काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक सेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, ढोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुकी काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भजक के धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती है और हवा भी कम होने लगती है। तब उसे ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के साथ विशाल टीलों तक यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मिट्टी रेत से उजड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे सेलबाजी को राहत दे दी जाती है। कुछ जगह पर कुई बनाने का यह काम कठिन और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की छिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी सीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सी बांटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है और फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। चौथा इस तरह ऊपर आते जाते खीब घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा
हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी हुई दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा जंथान की बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे थप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधने पड़े तो रस्से की लंबाई 4-5 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खीप, लेकिन रेजाणी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिकनाई लकड़ी के लंबे ठट्टों से की जाती है। ठट्टे आरनी बाण कैर बवाल या कुबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी आरनी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग ताक से ही काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर उन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चैलवाड़ी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सहजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा सही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन टूट जाता है। आज तथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रियाज आ गया है। कई जगह पर चेजारों के बदले समान गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों अब वह अनुसूचित जाति के कहलाते हैं कि हाथों में 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के लिए 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है।
कई जगह पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का बजनी कड़ा बना होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का बजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उड़ते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। मैं राकेश पांडे आपको राजस्थान की रजत बूंदे के बारे में पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और जो पानी की जो एक एक बूंदे होती हैं, उसका जो महत्व होता है उसके बारे में, और पानी की जो महानता है, पानी जो अमृत है, इसका जो संघर्ष करते हैं एक बूंद के लिए। राजस्थान का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां रेत ही रेत है, मरुस्थली इलाका है, तो वहां पे जीवन बहुत कठिन है। बूंद बूंद पानी उस अमृत के समान है कि यदि पानी मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन भी बच सकता है। उस पानी को सहेजने के लिए, उस पानी का उपयोग करने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। कुएं जो होती है, कुएं का निर्माण करता है, और कुएं के निर्माण के लिए कुएं बहुत सैकड़ी होती है, उसका व्यास भी बहुत कम होता है। उसके निर्माण के लिए जो चैलबाजी होते हैं, वो कुएं बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। और उसके बाद मैंने इस पाठ में राजस्थान की रजत बूंदों में आपको उसके बारे में पढ़ाया, समझाया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करिए। और ये जो पाठ है, ये हमें पानी बचाने की भी शिक्षा देता है। पानी का उपयोग हमें कैसे करना है, पानी हमें मिसयूज नहीं करना है, पानी फेंकना नहीं है, पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, उसकी भी ये पाठ शिक्षा देता है हमें। तो बच्चों, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात करिए। जो आगे का इसका जो पैराग्राफ है, मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा आने वाले समय में। तो बच्चों, आप लोग बहुत मेहनत करिए, ठीक है? और हम लोग भी आपके साथ